प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम आपके सामने एक और कहानी लेकर, एक और स्टोरी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और ये जो कहानी है हमारी, ये कहानी है कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन खिलाया। मगर ये 5000 लोगों को, जो पुरुषों की संख्या है यहां पर, स्त्री और बच्चों की संख्या नहीं है, इन 5000 लोगों को जो भोजन खिलाया है, कैसे खिलाया, बात यह है। ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं योन्ना की इंजील 6 अध्याय उसका 1 से 14 पद तक आप पढ़ सकते हैं। यहां पर जो है 5000 जो बच्चों को, सॉरी 5000 पुरुषों को जो खाना खिलाया जा रहा है, ये कैसे खिलाया जा रहा है। जब उसने एक बड़ी भीड़ देखी तो फिलिपुस से कहा कि तुम इन्हें खाने को दो। फिलिपुस कहने लगा है सिर्फ पुरुषों की संख्या 5000 है, अगर स्त्री और बच्चे जोड़ लें तो ये तो 10-12-15 हजार लोग बैठेंगे, इतनों को खाना कहां से खिलाया जाएगा, कैसे खिलाया जाएगा। अब फिलिपुस चक्कर में पड़ गया, उन्होंने कहा प्रभु 200 दिनार की भी अगर हम रोटियां लाएंगे तब भी इनको पूरी नहीं पड़ेंगी। प्रभु कहता तुम इन्हें खाने को दो। अब वो कहने लगे कैसे खाने को दें, बोले यहां किसी के पास है रोटी। अब उन्होंने मालूम करना चाहा कि किसी के पास एक रोटी है या नहीं, एक बालक था, एक छोटा सा बच्चा, उसकी मां ने उसको 5 रोटी और 2 मछली देकर भेजा कि जा प्रभु के पीछे जा और उसके वचन को सुन और सुनकर बताना कि उसने क्या कहा है। तो बच्चा अपनी 5, जब भूख लगे तो खाना खा लेना, तू बच्चा था इसलिए उसकी मां ने उसको बांध कर 5 रोटी और 2 मछली दी। अब फिलिपुस कहता है प्रभु यहां पर जो है एक छोटा सा बालक है और वो 5 रोटी और 2 मछली है उसके पास और वो उसी के लिए है। नेगा कोई बात नहीं, उसको लेकर आओ। वो बालक के पास गया, बेटा अपनी रोटी दोगे, प्रभु मांग रहे। हाँ क्यों नहीं, खुशी से उसने, बालक ने, अरे क्यों नहीं, ये लो उसने अपनी रोटी अपनी, हाँ मैं प्रभु के लिए दूंगा, मैं प्रभु को दूंगा। वो कहने लगे सब मिलकर खाएंगे, बोले इसमें से, हाँ इसमें से प्रभु खिलाएंगे। अब प्रभु के पास ले जाते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं और 5000 लोग जो थे, पुरुषों की संख्या है वहां पर, सिर्फ खाया तो स्त्री और बच्चों ने भी मगर वहां पुरुषों की संख्या थी कि सबने पेट भर के खाया और कई टोकरे जो है वो बच गए। क्यों, किसने दिया, उस छोटे से बच्चे ने अपनी 5 रोटी और 2 मछली दी। परमेश्वर का वचन कहता है लेने से देना धन्य है। उसने देखा, अब वो बच्चा जब अपने घर गया होगा उछलता कूदता और आज मेरी जो 5 रोटी थी, मेरी 5 रोटी में से प्रभु ने इतने लोगों को खिलाया, 2 मछली में से इतने लोगों को खिलाया, कितना खुश हुआ होगा, कितना आनंदित, और दिन भर जो है और जाने कितने दिन तक वो इस चीज का प्रचार करता रहा होगा, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, मासूम होते हैं, वो बहुत दिन तक उस बात को कहते रहते हैं। तो सोचिए प्रभु की इस बात को वो बहुत दिन तक कहते रहते हैं, तो प्रभु की उस महिमा की चर्चा जो है कितने दिनों तक बच्चों के माध्यम से होती है। हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि प्रभु के लिए देना जरूरी होता है। और ये 5 रोटी और 2 मछली जो है जब दी तो प्रभु आशीष देता है। बच्चों को सिखाएं कि हम जो चीज दे रहे हैं, हम जो भी चीज दे रहे हैं वो प्रभु के लिए देना, प्रभु को समर्पित करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु की उस पर आशीष होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने बच्चों को बहुत सी संसारिक बातें तो सिखाते हैं परंतु आत्मिक बातें इतनी नहीं सिखाते। आइए अपने बच्चों को आत्मिक बातें भी सिखाएं ताकि हमारे बच्चों के जीवन में जो कुछ भी वो प्राप्त करते हैं उस पर आशीष हो और उनके जीवन पर आशीष हो। आपके बच्चे फलवंत होते रहें और बढ़ते रहें और उनको जो भी चीजें प्राप्त होती हैं उन पर भी प्रभु की आशीष बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।